अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज 1 जून का जो करंट अफेयर है आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाया जाएगा। और देखिए, जो भी करंट अफेयर अगर छूटा है 1-2 दिन का तो भी आपको वीडियो डल लिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ले स्टोर से जाकर जामिया कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करके वहाँ से हमारा पैकेज। सुनहरा मौका है, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग जो कोर्सेज स्टार्ट किया है जामिया में BHU के लिए, सुनहरा मौका है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम लोग ने जो एक बहुत अच्छा पैकेज स्टार्ट कर रखा है जामिया मिल्ली इस्लामिया के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। तो आइए फुल कोर्स कराते हैं आपको, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, वीकली टेस्ट 2 होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पैकेज लेना है तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप व्हाट्सअप करें या टेलीग्राम करें और कॉल भी कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे को कॉल आते हैं तो कॉल की रिस्पॉन्स कम दी जाती है, उनको बाद में रिकॉल किया जाता है। तो आप व्हाट्सअप करें, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी। और थोड़ा सा पेशेंस रख के 1 घंटे के अंदर आपको कॉल या व्हाट्सअप का रिप्लाई दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक पैकेज ना लिए तो पैकेज जल्द से जल्द लेकर अपना क्लासेस स्टार्ट कर ले। चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, 1 जून के ऊपर आ गया। अब 1 जून के ऊपर हम लोग स्टडी करना था, चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। मैं सिर्फ रीडिंग दूंगा और एक बार आपको बता दूंगा आंसर क्या है, जो ऑलरेडी आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है। जो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है उसको भी देखना पड़ रहा है और आपका डेली का भी वीडियो देखना पड़ रहा है, और इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें और जामिया कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और वीडियो का जल्द से जल्द शेयर करें, जो भी आपके दोस्त वेट कर रहे हो उनको भी मिल जाए आपके नोटिफिकेशन के जरिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नितिन राकेश एंड जेरी वाइंड ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 फॉर विच बुक? नितिन राकेश और जेरी विंड ने किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता? तो आंसर, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इसके ऊपर थोड़ा बहुत आप लोग स्टडी कर सकते हैं, देख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इंपॉर्टेंट ये देखना है क्योंकि अभी आपके पास तो टाइम है, इंशाल्लाह फॉर्म का डेट भी एक्सटेंड करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग ऑन बेलग्रेड ओपन टाइटल? निम्नलिखित में से किसने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता? तो नवोक डिजोकोविक, ठीक है, डिजोकोविक, नवोक डिजोकोविक विंस अ बेलग्रेड ओपन ऑन होम सॉयल अहेड ऑफ फ्रेंच ओपन। ये थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए, लॉरेंस डेस्कार हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ लौरी द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम। द म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? लॉरेंस डेस्कार दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय लौरी की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। संग्रहालय किस शहर में स्थित है? द पेरिस। पेरिस बहुत ही प्यारा जगह है, एक बार इंशाल्लाह जाना है, लेकिन सबसे पहले इंशाल्लाह कोशिश करना है कि मक्का जाऊं, हज करूं, इंशाल्लाह दुआ में आप भी लोग याद रखें कि हम भी हज पे जाएं और हमारी फैमिली है, बाप मम्मी पापा, वो भी हज करें, पापा तो किए हुए, मम्मी भी कर लें, दादा दादी को भी इंशाल्लाह हज कराना है। अपने घर में सबसे प्यार करिए, एक फैमिली के दादा दादी चाचा चाची सबसे प्यार करें, नाना नानी जो भी आपके रिलेटिव से आपसे एल्डर है उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे और उनकी अहमियत को समझे। विच स्टेट लॉन्च द शिशु सेवा स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ दो चिल्ड्रेन हु लॉस्ट पेरेंट ड्यू टू COVID-19? COVID-19 के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए किस राज्य ने शिशु सेवा योजना शुरू की? असम। असम भी बोल सकते हैं या असम भी बोल सकते हैं, दोनों उसको बोला जाता है। ये देख सकते हैं शिशु सेवा स्कीम, या इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। एक ये मेन पॉइंट है बता दें कि ये वाला एक मेन पॉइंट आपको रीड आउट कर दे रहा हूँ कि अ मंथ स्कॉलरशिप ऑफ 3500 पर मंथ वुड बी गिवन टू दो चिल्ड्रेन हु लॉस्ट देयर पेरेंट और ब्रेड अर्नर बट हैव देयर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। ये कह रहा है कि मतलब उस बच्चे को स्कॉलरशिप दिया जाएगा जिसके पेरेंट या जो उनके घर में जॉब करते थे, कमाते थे और वो नहीं रह पाए कोविड के कारण, उन्हें 3500 रुपया मंथली दिया जाएगा एज ए पेंशन।
ठीक है, अ गर्ल वुड ऑल्सो गिवन वन तोला ऑफ गोल्ड एंड आर एस 50,000 ड्यूरिंग हर मैरिज। और उस लड़की को, मैंने उनके घर में अगर कोई लड़की हो तो उसके शादी के में 1 तोला गोल्ड और 50,000 रुपये भी उसकी शादी में दी जाएगी। यानी देखिए, गोल्ड का जो कॉस्ट हो, 50 का हो, 40 का हो, 60 का हो, जो जो भी कॉस्ट होगा उसके हिसाब से 1 तोला दिया जाएगा यानी 10 ग्राम, और 50,000 उसको रुपये भी दिए जाएंगे उसकी शादी में। चलिए, ये तो हो गया इम्पोर्टेंट, इस पे था। आसाम का कैपिटल भी देख सकते हैं, दिसपुर है। आसाम का गवर्नर जगदीश मुखी, और आसाम वॉज नॉन एज प्रयाग ज्योतिषा और कमरपुरा। मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दो तीन नामों से ये जाना जाता आसाम। आपका ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स किस दिन मनाया जाता है? जून 1। मैं आपको एक बात बताया था कि जिस दिन मैं वीडियो लाता हूँ उसमें एक क्वेश्चन जरूर लाता हूँ कि उस दिन मतलब कोई ना कोई डे रहता है। 99% वीडियो मेरा ऐसा आता है कि जिस दिन की वीडियो होती है उस दिन कोई ना कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट कब है? 1 जून को। 1 जून इज ऑब्जर्व एज द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स एनुअली इन ऑनर ऑफ पेरेंट थ्रू द आउट द वर्ल्ड। तो ग्लोबल डे मतलब पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है कि पेरेंट डे है। ग्लोबल डे थीम ऑफ द ग्लोबल पेरेंट डे 21st इज अप्रिशिएटेड ऑल द पेरेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब सारे गार्जियन जितने हैं उनको सपोर्ट किया जाता है और इसकी खुशियां मनाई जाती है। ये पूरी दुनिया में, ग्लोबल वर्ल्ड में मतलब पेरेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है यानी पूरी दुनिया में। विच IIT लॉन्च और टेक मैगजीन शस्त्रा? किस IIT ने एक तकनीकी पत्रिका शस्त्रा लॉन्च की है? तो IIT मद्रास और IIT कानपुर, खड़गपुर, ये सब बहुत ही टॉप के होते हैं। IIT दिल्ली भी, ये देख सकते हैं। IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देख सकते हैं। IIT मद्रास लॉन्च द कॉन्क्लेव 2021। हु विल हेड द पैनल ऑफ स्टेट मिनिस्टर सेट अप बाय द गवर्नमेंट फॉर बेटर वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज बाय कैजिनोज, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल एंड रेस कोर्सेज फॉर लेविंग जीएसटी? कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल और रेस कोर्स द्वारा सेवाओं के बेहतर मूल्यांकन और GST लगाने के लिए सरकार द्वारा गठित राज्य मंत्रियों के पैनल को नेतृत्व कौन करेगा? नितिन पटेल। दोस्तों, अगर किसी प्रोनाउंसिएशन में यानी किसी वर्ड में प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाए या मैं उसको थोड़ा सा मिस लीड रीड कर दूं तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि ड्यू टू द स्लीपी मूड, नींद के वजह से हो जाता है कभी कभी। इस टाइम आपको मैं बता दूं, एग्जैक्ट 4:15 हो रहा है यानी 4:15, ठीक है? तो 4:15 हो रहा है, तो टेंशन ना ले, तो थोड़ी सी बहुत नींद में होती रहती है। हु विल हेड द 8 मेंबर मिनिस्ट्रल पैनल सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू एग्जामिन GST एग्जेम्पशन फॉर कोविड रिलीफ मटेरियल्स? कोविड राहत सामग्री पर GST छूट का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा गठित 8 सदस्यीय मंत्रालय पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? कॉनराड संगम पढ़ते हैं उसको, संगमा भी बोला जाता है, संगम पढ़ते हैं। हु ऑन इटालियन ग्रांड प्राइज 2021? इटालियन ग्रांड पी 2021 किसने जीता? फेबिको क्वार्टारो, फेबियो क्वार्टरारो क्वार्टरारो फेबियो क्वार्टरारो ऑन इटालियन ग्रांड प्रिक्स इन 2021। फेबियो क्वार्टरारो इज अ फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स मोटरसाइकिल राइडर रेसिंग इन मोटो जीपी फॉर मॉन्स्टर एनर्जी या महा मोटो जीपी। तो ये कौन थे? एक रेसलर थे, राइडर थे नहीं है, सॉरी, हैं फेमस ग्रेमी वाइनर सिंगर बीजे थॉमस पास्ट अवे रिसेंटली, विच कंट्री वाज ही फ्रॉम? प्रसिद्ध ग्रैमी विजेता गायक बीजे थॉमस का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के थे? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। NPCI हैज पार्टनर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर कैशलेस पेमेंट अक्रॉस द कंट्री? NPCI ने देश भर में कैशलेस भुगतान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? पेकोर,
पेको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। पेक तो आप लोग नाम सुने होंगे, स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद भी एक दो और हमें बनाना है वीडियोस। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, 100% आता है। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना, एक बार रीड आउट कर लेना। आपको तो डेली आता है, 20-25 क्वेश्चन होता है, उसको याद कर लीजिएगा। इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर द EDLI स्कीम हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 6 लाख टू हाउ मच अमाउंट। EDLI योजना के तहत बीमा लाभ 6 लाख से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? 7 लाख। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ इसका फुल फॉर्म, EDLI का फुल फॉर्म आपको दिया, इसको याद कर लीजिएगा। मुझे पता नहीं था, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा क्या होता है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ठीक है, स्कीम। इसमें क्या है, मैक्सिमम इंश्योरेंस बेनिफिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 6 लाख टू 7 लाख। इसमें जो 6 लाख रुपये बेनिफिट मिलता था वो इंक्रीज करके 7 लाख रुपीज कर दिया गया। हु हैज एज्यूम चार्ज एज द कंट्रोलर वारिशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन। यहाँ पे हमको मिस्टेक हो गया, कंट्रोलर वारशिप प्रोडक्शन, वारशिप नहीं होता, वारशिप प्रोडक्शन, ठीक है, युद्ध नहीं, सही है, वार, ठीक है, राइट, सही है, वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन। युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रण के रूप में किसने भार ग्रहण किया? तो किरण देशमुख, किसने किया, किरण देशमुख। तो यहाँ पे इसके इनके बारे में एक बार देख सकते हो, वाइस एडमायरल किरण देशमुख, AVSM ज्यूम चार्ज एज द कंट्रोलर वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन। इनके ऊपर देखते हो, वाइस एडमायरल किरण देशमुख AVSM चार्ज एज द कंट्रोलर वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, वही बात जो ऊपर में बताया गया। विच IIT हैज डेवलप्ड MBT टैग, किस IIT ने MBT टैग विकसित किया है? तो IIT रोपर, ठीक है, IIT रोपर, IIT रोपर है। आई हैव नॉट नॉलेज अबाउट IIT रोपर्स, आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी कर लीजिए, इसके बारे में मुझे कोई नहीं, आई हैव नॉट नॉलेज सिंगल वर्ड नॉलेज अबाउट द IIT रोपर, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बुद्ध इन गंधर, बुद्ध बुद्ध इन गंधर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनीता द्विवेदी। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया, सुनीता प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको पढ़ना ही है। व्हाट इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? तो लायन कहाँ है, फ्रांस में। बशर अल असद इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो सीरिया। एमएनएसटी इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? 28 मई। 28 मई का आपका वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन भी होगा। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव IFFCO लोकेटेड? द न्यू दिल्ली। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आता है, मुझे भी इल्म नहीं था, मैंने भी देख लिया। IFFC, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव्स, ठीक है, न्यू दिल्ली में। एंडली कोविड ड्रग्स एंड ऑक्सीजन कंट्रैक्टर्स अटैक हाउ मच परसेंट GST? 12%। तो चलिए दोस्तों, जो भी आपको अगर वीडियो में कमी लगी होगी तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज अगर किसी कहीं पे रीडिंग देने में या कुछ भी बोलने में रीड आउट करने में प्रॉब्लम आई होगी तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज इट्स टाइम फॉर स्लीप और इस समय सोने का वक्त है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को वीडियो नहीं मिला, आप तक वीडियो पहुँच जानी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, और नेक्स्ट वीडियो भी आएगी तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ मोहम्मद साजिद खान, डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।